चुनावी सरगर्मी के बीच एक और यात्रा की बात करते हैं। जेएमएम की बदलाव यात्रा का चौथा चरण आज से लातेहार में शुरू होगा। आज से 25 सितंबर तक पूर्व सीएम हेमंत सोरेन लातेहार, गढ़वा, पलामू, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और चाईबासा की यात्रा करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी की जमीनी हकीकत जानेंगे। कार्यकर्ता के चुनाव को लेकर काफी जोश भरेंगे। आज पहले दिन हेमंत लातेहार के खेल स्टेडियम में आयोजित सभा को संबोधित करेंगे। तो आज से 25 सितंबर तक 7 जिले नापेंगे हेमंत सोरेन। लातेहार, गढ़वा, पलामू, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और चाईबासा की यात्रा है। तो विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जेएमएम ने पूरी ताकत लगा दी है और अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरा जा रहा है। तो लातेहार से जेएमएम की बदलाव यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत होगी। आज से 25 सितंबर तक 7 जिले में रहेंगे हेमंत सोरेन। लातेहार, गढ़वा, पलामू, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और चाईबासा की यात्रा होगी। विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी की जमीनी हकीकत तलाशने के लिए हेमंत सोरेन निकल चुके हैं। सहयोगी अतुल इस वक्त लातेहार से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अतुल, जेएमएम की बदलाव यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत हो रही है और आज लातेहार में रहेंगे हेमंत सोरेन, क्या तैयारियां देखने को मिल रही है और किस तरह से नेताओं और कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरा जाएगा? जी, बता दें कि इस बदलाव यात्रा में के दौरान जो है कि यहाँ के पार्टी के कार्यकर्ता काफी उत्साह है और उत्साह है। सबसे बड़ी चीज है कि ये बहुत दिन बाद जो है इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 1 बजे शुरुआत की जाएगी इसकी, लातेहार खेल स्टेडियम से 1 बजे। सभी कार्यकर्ता में जोश है और भारी संख्या में जो आज खेल स्टेडियम में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ये बदलाव यात्रा की शुरुआत होगी। मगर सबसे बड़ी बात है कि आज कार्यकर्ता जो है कि आज मनिका से, बरवाड़ी से, हिरन से, बरियातू से, सभी जगहों से लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम में शिरकत करने। तो ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों में आज उत्साह है, चुनाव का दौर है और कहीं ना कहीं ये पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल तमाम जानकारी के लिए। तो पार्टी के लिए ये बेहतर संदेश है क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है और चुनाव से पहले जेएमएम ने तैयारी शुरू कर दी है विधानसभा चुनाव फतह के लिए।